हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीटी राइडर। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं करोल बाग KTM एडवेंचर में फॉग लाइट इंस्टॉल करवाने। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको सारा बताऊंगा, उसकी डिटेल्स वगैरह कि मैंने कौन सी फॉग लाइट लगवाई है और कहाँ से ली है और असेंबल किससे करवाई है और उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका फोकस। तो आप मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं करोल बाग। मैं पहुंच गया हूं करोल बाग। तो बस भैया की शॉप आने वाली है, मैं पहुंच गया हूं कुमार ऑटो सेंटर पर। सो फ्रेंड्स, ये शॉप है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी और ये हमारे अभिनव भैया हैं जिनकी ये शॉप है। तो आपको ये फॉग लाइट्स के बारे में बताएंगे। भैया मेरे पास आए थे फॉग लाइट्स के लिए, फर्स्ट टाइम विजिट था भैया का मेरी शॉप पे। आई होप भैया को अच्छा लगा होगा मेरा एक्सपीरियंस, मेरे साथ एक्सपीरियंस वॉट्स के अंदर। मेरे पास जो स्टार्टिंग रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 350 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, पर जो आपको पसंद है आपकी बाइक के हिसाब से हम आपको लाइट सजेस्ट करते हैं। बाकी एक्सपीरियंस जैसा भैया का है वो भैया बताएंगे। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, होप आगे भी जुड़े रहेंगे मेरे साथ। और फ्रेंड्स, भैया के पास फॉग लाइट के साथ इसकी हार्नेस भी मिलती है। हार्नेस लेनी है आपको, हार्नेस के साथ ले लो, और आपको विदाउट हार्नेस लेनी है तो विदाउट हार्नेस ले सकते हो। और आप डायरेक्ट शॉप पे आओ, कोई चीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, जेन्युइन लाइट मिलेगी आपको, भैया की गारंटी है जेन्युइन की। हमारे पास बाकी सारी एक्सेसरीज भी मिलेंगी आपको फॉग लाइट्स के अलावा, बाकी सारी कुछ साइलेंसर्स हैं, वेंट पाइप्स हैं, बाकी बाइक्स के हैं, सब बाइक्स का सामान है। तो चलिए मैं आपको एक वॉक अराउंड करवा देता हूँ शॉप का। तो लद्दाख कैरियर भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। लद्दाख का सारा सामान, जो बंजीज वगैरह होती हैं, जो आपके टूरिंग का एक्सेसरीज है, वो सारे सामान मिलते हैं। ओके। कंप्लीट रेंज ऑफ हेलमेट्स है, हेडलाइट्स हैं, बैकलाइट्स हैं, हजार्ड्स हैं, लॉकिंग सिस्टम्स हैं, गियर्स हैं, सब कुछ मिलेगा उसमें। सो फ्रेंड्स, आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा और जेन्युइन मिल जाएगा, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। एक बार विजिट जरूर करो, एक बार आप विजिट जरूर करो और भैया को मौका दो एक बार सेवा का। बहुत नाइस पर्सन है, आप एक बार मिलोगे तो आप खुद कहोगे कि हाँ आपने सही कहा था। सर, हम भैया से पहली बार ही मिले हैं पर हमें मिलके बहुत अच्छा लगा भैया से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से लाइट तो हमने ले ली है और लाइट लेने के बाद अब चलते हैं सिंपी भैया के पास, जहाँ से मैं इंस्टॉल करवाऊँगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे क्या करते हैं सिंपी भैया। करोल बाग में बेस्ट इलेक्ट्रिशियन है वो, तो चलिए उनके पास चलते हैं, सिंपी भैया के पास। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं करोल बाग सिंपी भैया के यहाँ पे। तो अभी ये इंस्टॉल करेंगे लाइटें, तो आपको दिखाते हैं। सिंपी भैया, कौन सी लाइट लगा रहे हो आप? देखो, ये लाइट है 60 वाट की लाइट है। ये फ्रेंड्स, ये 60 वाट की लाइट है HJG की। ये साथ में कपलर सिस्टम है इसमें। ये लाइट भी अच्छी है, ब्राइटनेस भी अच्छी है, और मेन चीज़ है कपलर सिस्टम है। इस वायरिंग के अंदर भी हम कपलर सिस्टम बनाएंगे, कभी आप खोलना चाहते हो आप खोल भी सकते हो ये चीज़। और फ्रेंड्स, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, असेंबल करके दे देंगे, ये सारा कुछ यहीं पे करके देंगे, स्विच वगैरह लगा के, फ्यूज़ वगैरह कंप्लीट उसमें करके, फिटिंग करके। तो चलिए दिखाते हैं आपको इसकी कैसी फिटिंग करते हैं ये, और मैं अभी आपको इसका प्राइस सब बता दूँगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आए हमें फोन करके आए हमारे लिए मतलब ये कि बिना अपॉइंटमेंट के गाड़ी करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ये चीज़। तो चलिए भैया लगाते हैं फिर मैं उधर भी जाना। अच्छा उन्होंने तुम्हें अभी फोटो दिखाना शायद भाई तो हम जानता हूँ उन्होंने उन्होंने बटन दिखाना। KTM एडवेंचर वालों के लिए एक और गुड न्यूज़ है, सिमटेक का हैजर्ड लाइट सिस्टम इसमें आने वाला है। सारी गाड़ियों के आगे ये अभी नई गाड़ी आई है, इसका भी प्रोसेसिंग में चल रहा था जो मे बी मेरे ख्याल से इसी हफ्ते की उम्मीद है कि आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीक या नेक्स्ट वीक तक इसका हैजर्ड सिस्टम भी आ जाएगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे इंस्टॉल करते हुए। सो फ्रेंड्स इसमें स्विच लगा रहे हैं ये पहले, सो फ्रेंड्स आप देख रहे हो जाना की एसेसरी कितनी सॉलिड एसेसरी है कि ड्रिल मशीन के भी धुएं उड़ा दिए उसने, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जाना एसेसरी सबसे बेस्ट एसेसरी। क्यों भैया ठीक है ना? आपके सामने अभी तक कितनी लगा ली हमने पावर, ये देखो छेद बिल्कुल नहीं हुआ। ये जाना की खासियत है, अगर वो पैसे ठोक के लेते हैं तो माल भी एकदम सॉलिड वाला देते हैं। ये लाइट है इसकी फॉग लाइट, और ये देखो आप इसकी ब्रांडिंग HJG, और इसकी बिल्ड बहुत अच्छी है, लाइट बहुत अच्छी है। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ओरिजिनल लेनी है। करोल बाग ऐसी मार्केट है कि आप ओरिजिनल अभी निकालो 10 मिनट बाद उसकी 1000 कॉपी ले लो। तो करोल बाग में सारी हर तरीके का सामान मिलता है, लोकल ओरिजिनल, डिपेंड करता है कि आप किसके पास जाते हो और किससे लेते हो। आप प्लग एंड प्ले वाली है लेकिन और बनेगी, और इसकी अभी वायरिंग जो बनाएंगे सिंपी पाजी इसमें भी प्लग इसके साथ अटैच करने के लिए, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये लाइट का वो वायरिंग सिस्टम अभी बनेगा इसके, ये अभी लाइट के साथ आता है, अभी हम इसमें कपलर सिस्टम हम अपना बनाएंगे। ओके तो आप हमारे साथ बने रहिए और लास्ट एंड तक वीडियो देखिए तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और दोस्तों लास्ट एंड देखने का ये बेनिफिट है कि रास्ते में आप अगर कहीं फंस जाते हो और लाइट वाइट बंद हो जाती है तो थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ, इससे आगे का भी वीडियो दिखाते हैं आपको। ओके सो फ्रेंड जाना एसएसडी ने हमारे 3 बिट फेल कर दिए हैं, खिलाड़ी को फेल कर दिया हमारे को हमारे को फेल कर दिया जी, फेल कर दिया सिंपी भैया को, पूरी जान लगा दी है, 3 बिट खराब हो चुकी है। लेकिन जाना की एसेसरी इतनी सॉलिड एसेसरी है कि ये देखो आप ध्यान से उसमें ड्रिल नहीं होगी राजीव। ये जाना वाले सामान कहाँ से लाते हैं ये पता चल गया मजबूती कितनी है। लोग कहते हैं महंगी चीज़ है पर अब पता चल रहा है महंगी चीज़ का क्या वैल्यू है, जो ड्रिलिंग नहीं हो पा रही कुछ नहीं हो पा रहा। ये देखिए तो ये जो हरजाना हो रहा है ये हम जाना कंपनी से ले लेंगे 3 बिट का, तो आप तैयार रहिए हम आपके पास आ रहे हैं जाना वालों। उसको पीछे भी कर सकते हो आगे भी कर सकते हो, ठीक है ठीक है। सो फ्रेंड्स आप बताना कैसी लुक आ रही है इसकी फ्रंट से, नो डाउट आइए सर, थोड़ा लेग गार्ड का बस है ये, इसका गार्ड का आया बस गार्ड ने तो हवा निकाल दी सामान का खाली रख लेते हैं कुछ नहीं करना, तेरे लिए जरूरत है यार। किक वाले नट लेने हैं दो और 6 वाशर लेनी है उसको असेंबल करने के लिए, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन से नट लगेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स ये वाले हैं इसके किक वाले बोल्ट, तो फ्रेंड्स ये किक वाले जो बोल्ट नट बोल्ट मिले हैं मेरे को ये 50 रुपये के हैं सिर्फ। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो इसके क्लिप लेके आया हूँ मैं, और हमने इनको कलर कर दिया है और साथ में इसके नट बोल्ट भी और साथ में वार्शल भी, और ये देखिए। सो फ्रेंड्स ये इसका क्लिप बना दिया है वायरिंग का, तो अब वायरिंग स्टार्ट हो रही है, देखिए प्रॉपर क्लिप करा है उसको, कवर करा है ताकि कहीं से शॉर्ट ना हो ये। तो आप देखते रहिए इसकी पूरी वायरिंग दिखाऊंगा आपको कैसे और कहां कहां से,
अभी जो ये वाला पॉइंट ले रहे हैं हम यहाँ से, इसके न्यूट्रल के लिए है, न्यूट्रल इन द सेंस के अर्थ के लिए, हॉर्न वाली जगह से। मेरे पास चार गाड़ी और पांच गाड़ी या छह गाड़ी। सो फ्रेंड्स, ये इसका कनेक्टर तैयार हो गया है, तो कनेक्टर तैयार होने के बाद अभी ये कनेक्टर लगाएंगे भैया। कोई वायरिंग काटेंगे नहीं, और इसमें कोई वायरिंग काट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, प्लग एंड प्ले वाली वायरिंग बना रहे हैं इसकी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए आप, हमने इसको एक लाइट को तो जो है इंस्टॉल कर दिया है, और कितना प्रॉपर तरीके से किया है ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ब्रैकेट देखिए, थिकनेस देखिए इसकी ब्रैकेट की, और नीचे क्लैंप देखिए, और वायरिंग सीधा पूरा प्लग एंड प्ले वाली है, और लुक वाइज कितनी बढ़िया लग रही है। मैं वो वायरिंग करता आपको लगता, और अब बताइए सिंपी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब, ये हम जो वायरिंग बनाते हैं, हम ये कहते हैं कस्टमर को पसंद आए, सब कुछ है, अब आपके सामने करिए, अब आपने व्यूज देना है कि आपको वायरिंग कैसे लगेगा। बनी बनाई वायरिंग में हम विश्वास नहीं करते, हम खुद बनाते हैं, तो खुद ही हम सॉकेट सिस्टम बनाते हैं, हम बाहर वाली वायरिंग में विश्वास नहीं करते। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, सिंपी भैया ने बताया कि ये खुद वायरिंग बनाते हैं, और बहुत बढ़िया वाली वायरिंग बनाते हैं, जिससे कि आप कभी राइड पे कर रहे हो, जा रहे हो, शॉर्ट सर्किट का कोई डर नहीं है। सॉकेट को रिमूव, फिटिंग रिमूवेबल सॉकेट है, आपको जहाँ निकालनी है आप निकाल सकते हो उसको, और प्लग एंड प्ले कर सकते हो। फिटिंग बहुत अच्छी है, सबसे बड़ी बात फिटिंग और वायरिंग। आप खुश तो सारे खुश। मैं एज एन यूट्यूबर, एज एन राइडर, मैं कहता हूँ कि सिंपी भैया का काम बहुत बढ़िया काम है। पाजी ने टाइम भी दिया और हमारा दिल भी कुछ कर दिया काम। अभी आपके सामने एक गाड़ी का काम चल रहा है, हमने और कोई गाड़ी नहीं पकड़ी, क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे को सुबह टाइम दिया था, सुबह मेरे पास 11 बजे करीब आ गया था फोन कि सिंपी भैया मेरी गाड़ी आनी है, तो उसका काम करना। मैंने उनको कहा 3-4 बजे आप आ जाइए, जब तक हम फ्री हो जाएंगे और कोई गाड़ी हम पकड़ेंगे। और थैंक यू सिंपी पाजी, आप हमारी वजह से रुके, इन्हें इनको एक बहुत अर्जेंट काम पर जाना था कहीं पर, तो वो अर्जेंट काम हमारी वजह से डिले हो गया इनका, तो अब ये हमारा काम करने के बाद फिर जाएंगे। एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे काम को महत्व दिया जाता है, क्वालिटी को महत्व दिया जाता है, क्वांटिटी बनी कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे काम हो, चाहे 4 बंदे हैं लेकिन उनका काम बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह से हो, कोई जल्दबाजी नहीं मिलेगी आपको काम में, काम बिल्कुल तसल्ली बख्श आपको किया जाएगा। जैसा कि आप और जगह चाहते हैं तो यहाँ आप एक बार आके देखिए, विजिट करें, तो आप खुद काम देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि 2 रुपये फालतू लग जाएं, लेकिन बार बार उस काम के पीछे ना भागना पड़े, पेट्रोल खर्च, टाइम खर्च, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उसके बाद। इससे अच्छा है कि आप एक जगह से करवाओ और परमानेंट जो है काम फिक्स हो जाए, मतलब उसके लिए बार बार भागना ना पड़े कि एक कभी तार हिल गई, कभी सॉकेट हिल गया, कभी कुछ हिल गया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आप, सो फ्रेंड्स, देख रहे हो आप, प्रॉपर वायरिंग कर रहे हैं टाई बेल्ट के साथ, ताकि आपकी बाइक में कहीं फंसे ना। ये सो फ्रेंड्स, सॉकेट इसका, इस साइड का सॉकेट भी रेडी हो गया है, पिन लगा रहे हैं उसके अंदर। सो फ्रेंड्स, ये देखिए सॉकेट रेडी हो चुका है, और उसमें प्लग इन कर रहे हैं। सिंपल, कोई झंझट ही नहीं है आपको टेप का और किसी भी चीज़ का। ये देखिए, फ्रेंड्स ये इसके कनेक्टर तैयार हो गए हैं, देखो आप, ये लाइट के कनेक्टर हैं, ये लाइट्स जो लाइट्स के साथ आते हैं, जो ये हमने अपने वायरिंग के लिए जो वायरिंग हम बना रहे हैं ये उसके साथ किए, ये बनाने पड़ते हैं, ये रेडीमेड नहीं आता, बनाने पड़ते हैं ये चीज़।
तो ये कनेक्टर तैयार हो गए हमारे, ऑलमोस्ट वायरिंग भी रेडी हो रही है हमारी और करीब करीब रेडी हो गई है, बस थोड़ी बहुत देर का और काम है। तो ये डायरेक्ट आपका भाजी है, बैटरी देना है क्या देना है? ये भाजी इग्निशन स्विच देना है, जब से स्विच ऑन करोगे जब ही सिस्टम में वर्किंग करेगा, स्विच ऑन करोगे इग्निशन स्विच और देखो सप्लाई इधर आएगी फिर लाइट आते जाएगी। ओके, मतलब कोई डर नहीं आएगा कि चाबी खुली है या कुछ नहीं, है नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं होते नॉल। जलाने एक बार लाइट, सो फ्रेंड्स ये देखिए आपने सिंगल साइड रेडी हो चुकी है इसकी और अब दूसरी साइड की वायरिंग के कनेक्शन करने हैं, सिर्फ वायरिंग सारी तैयार हो चुकी है इसकी, जबरदस्त लुक। सो फ्रेंड्स हमारी बाइक रेडी हो चुकी है, फॉग लाइट इंस्टॉल भी हो चुकी है और लुक वाइज भी ऑसम लग रही है, ये देखो आप। सब हमारे शिम्पी भैया की मेहरबानी है, इन्होंने इतना टाइम दिया और इतने अच्छे से वायरिंग करी। आपने पहले टाइम दिया, आप अगर सुबह फ़ोन नहीं करते और एट ए टाइम पे आते तो मेरे लिए मुश्किल होता। आपने सुबह फ़ोन करा और मुझे टाइम मिला और हमने गाड़ी करके दी आपको, अब आपके सामने लाइट लगी और आप बता सकते हो कितनी देर से हम लगे हुए मैक्सिमम 2-2.5 घंटे लग गए। बिल्कुल बिल्कुल, दो आपने टाइम दिया इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास फ़ोन करके आए गाड़ी, हमें वो अच्छा लगता है। अगर आप फोन नहीं करके आते एट ए टाइम पे हमारे लिए बहुत मुश्किल होता, बार बार हम यही कहते हैं फ़ोन करके आए, ये ऊपर हमारा नंबर है और नंबर फ़ोन करके आए। तो दोस्तों मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इनके काम से, बहुत अच्छे तरीके से किया और बिना हार्नेस के जो इन्होंने प्लग एंड प्ले का सारा अपना सिस्टम बनाया, अपनी वायरिंग बनाई, तो बहुत ही अच्छे तरीके से करा इन्होंने। ये शिम्पी पाजी का नंबर है, मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, ये शिम्पी पाजी का नंबर। हेलो दोस्तों, आपने आज सारा दिन हम आपके लिए लगे रहे, आपने देखा हमने फॉग लाइट लगवाई, वायरिंग कैसी हुई, कहां से करवाई, वो सब मैंने आपको दिखाया और अब जो है इसकी आपको स्पेशल एक जगह ढूंढी हमने जहां पे आपको इसकी बढ़िया सी फॉग लाइट दिखा सके, तो अब वो फॉग लाइट दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। तो आप देखिए इसकी फॉग लाइट कितनी ज़बरदस्त है और फोकस दोनों चीज़। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाई बीम और ये लो बीम। तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी फॉग लाइट की लाइट, तो अशोक जी प्लीज़ ऑन करिएगा एक बार। तो देखो दोस्तों है ना ज़बरदस्त, पूरा दिन निकाल दिया इसने, ये देखिए इसकी पूरी फोकस। अब देखिए ये देखो दोस्तों कितनी ज़बरदस्त लाइट है, और मैं इसका सामने से दिखाता हूँ आपको एक बार। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये लाइटें और हमने जो सारा दिन मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आपका प्यार हमें मिलता रहे, तो हम ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें दिखाते रहेंगे आपको। दोस्तों क्या होता है कि मार्केट में सारी चीज़ें मिलती हैं लेकिन अच्छी चीज़ कहाँ मिलती है ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोगों का वही काम है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ की जानकारी दें, अच्छी से अच्छी चीज़ की नॉलेज दें। तो हमने बहुत मेहनत करने के बाद बहुत सारी फॉग लाइटें देखी लेकिन किसी में मज़ा नहीं आया, तो फाइनली हमने ये वाली HJD की फॉग लाइट हमने सिलेक्ट करी और वो आपको दिखाई। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसी लगी ये लाइटें। तो चलिए दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, और आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय, आपका दोस्त करण वर्मा, थैंक यू।